इंडियन आर्मी, ये वर्ड सुनते ही एज अ इंडियन मुझे बड़ा प्राउड सा फील होता है और वो गूज़बम्प्स से आ जाते हैं। और जब भी हम कहीं इंडियन आर्मी के किसी भी सोल्जर को देखते हैं, फिर चाहे वो 22-23 साल के कोई यंग सोल्जर हो या फिर 58-60 साल के कोई एक्सपीरियंस या फिर बहुत हाई पोस्ट वाले इंडियन आर्मी ऑफिसर, हमारे दिल से उनके लिए सिर्फ सैल्यूट निकलता है। और उनसे बात करना और उनके साथ फ़ोटो क्लिक करना, ये बहुत ही प्राउड मोमेंट्स होते हैं, क्योंकि रियल लाइफ हीरोज़ तो हमारे सोल्जर्स ही हैं। और आज हम बात करने वाले हैं ऐसे स्टार्टअप्स के बारे में जिनके फाउंडर्स हमारे इंडियन आर्मी के सोल्जर्स ही हैं, जिनके बारे में जानना हमारे लिए एक बहुत ही प्राउड मोमेंट है। नंबर वन पर आती है ओलिव प्लैनेट। आर्मी मर्चेंडाइज के अपने पैशन को एक बिजनेस मॉडल में बदलने के लिए कैप्टन चेतन वाई के विद फेलो वेटरन निरंत बाईमैन ने स्टार्ट की थी ओलिव प्लैनेट इन 2009। रिटायर्ड कैप्टन चेतन वाईके ने इंडियन आर्मी में एज अ शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर 2002 से 2007 तक सर्व किया था। रिटायरमेंट के बाद कैप्टन चेतन सर ने गुड इंडियन आर्मी इंस्पायर्ड प्रोडक्ट्स बनाने के बारे में सोचा, जो कि आर्मी के जवान और साथ साथ सिविलियंस भी यूज़ कर सकें। ओलिव प्लैनेट स्टार्टिंग में तो ऑनलाइन वन स्टॉप शॉप के रूप में स्टार्ट हुआ था, बट आज इनके शॉप्स कतिनगेन्नाहली और बेंगलुरु जैसे बड़े शहरों में भी हैं। नंबर टू पर आता है हेल्दी वर्ल्ड। 33 ईयर्स इन एनी सर्विस इज़ अ लॉन्ग टाइम, एंड व्हेन यू कंसीडर दैट टाइम वाज स्पेंट सर्विंग द नेशन ऑन वेरियस आर्मी बटालियंस, देन द रेस्पेक्ट फॉर दैट पर्सन सोर। ये स्टोरी है सर राजीव मन्नाहली की, जिन्होंने जनवरी 2009 में रिटायरमेंट लिया और उसके बाद भी देश को हेल्थ केयर सेक्टर में इम्प्रूव करने के लिए एक कंपनी खोली, या फिर कहें कि फिर से एक मिशन को स्टार्ट किया। आर्मी के अपने एक्सपीरियंस को यूज़ करके इन्होंने केरला एंड बेलोर के कुछ हॉस्पिटल्स के साथ भी 5 साल तक वर्क किया बिफोर सेटिंग अप हेल्दी केयर। ये ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली उन लोगों की हेल्प करती है जो कि हेल्थ केयर सेक्टर को ज्वाइन करना चाहते हैं। सर राजीव मन्नाहली का कहना है कि उनका गोल लोगों को प्रिवेंशन मेजर्स देने का है, ना कि बस उनको ट्रीटमेंट प्रोवाइड करने का। नंबर थ्री पर आता है फॉर्चुनेट। जब कैप्टन रमन्ना राव ने देखा कि आफ्टर रिटायरमेंट्स उनके बैचमेट को, जो कि उनके साथ आर्मी में थे, उन्हें जॉब फाइंड करने में बहुत प्रॉब्लम्स हो रही हैं, तब उन्होंने अपने IIM लखनऊ के एक दोस्त और अपने एक बैचमेट के साथ डिसाइड किया एक कंपनी बिल्ड करने का, जो कि आर्मी ऑफिसर्स को हेल्प करेगा आफ्टर रिटायरमेंट जॉब फाइंड करने में। इस कंपनी ने जल्दी एक्सीलेट किया और 250 से भी ज़्यादा कॉरपोरेट हाउसेस के साथ टाई अप किया और अब एक प्रीमियम प्लेटफॉर्म बन गई है फॉर पीपल्स लुकिंग टू हायर आर्मी पर्सनल। आपको हमारे आर्मी ऑफिसर्स के बारे में जान के कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।